डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन मुरादाबाद के द्वारा आज भी आंदोलन के तृतीय चरण के अंतिम दिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। मंडलीय सचिव हेमंत चौधरी ने बताया कि कल 17 दिसंबर को चौथे चरण के आंदोलन में जनपद के समस्त फार्मासिस्ट पूर्ण कार्य बहिष्कार कर इमरजेंसी व पोस्टमार्टम सेवाओं को छोड़ते हुए स्वास्थ्य सेवाएं ठप करेगा। हेमंत चौधरी ने बताया कि कल सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के फार्मासिस्ट अपने अस्पतालों को बंद करके सुबह 9 बजे जिला चिकित्सालय मुरादाबाद में एकत्र होंगे व प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिसंबर से प्रदेश के फार्मासिस्ट अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। शासन व प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी पूर्व में कई बार समझौते होने के बावजूद भी वायदा खिलाफी कर चुके हैं, जिससे प्रदेश के फार्मासिस्ट में अत्यंत रोष व्याप्त है। फार्मासिस्ट इस बार आर पार के आंदोलन का मूड बना चुके हैं। जिला मंत्री शिशुपाल सिंह ने बताया कि फार्मासिस्ट हमेशा संघर्ष का पर्याय रहा है। फार्मासिस्ट ने जो भी पाया है अपने संघर्ष के बल पर पाया है। उन्होंने बताया कि कल समस्त जनपद की स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। अगर सरकार द्वारा फार्मासिस्ट की मांगों पर 19 दिसंबर तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, अन्यथा की स्थिति में 20 दिसंबर से आंदोलन सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करते हुए, जिसमें इमरजेंसी व पोस्टमार्टम सेवा भी सम्मिलित होगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित हो जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज के इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से निश्चल भटनागर, हरिबाबू शाकेवार, कुंदन सिंह, गुलवीर सिंह, जेबी शर्मा, राजेश पाठक, पीपी सिंह, दौलत सिंह चौहान, कमल वोरा, जिनेंद्र बघेल, योगेश तिवारी, जगत सिंह, हिना रूमी आदि उपस्थित रहे। कल हमारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा। 8 बजे से 10 बजे तक का जिला अस्पताल में और 10 बजे से 12 बजे तक का जितने भी हमारी सीएससी उनका कार्य बहिष्कार रहेगा। और परसों से हमारी अनिश्चितकाल की हड़ताल हो जाएगी। यदि हमारी इस विषय मांगे नहीं मानती है गवर्नमेंट, तो 20 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसमें इमरजेंसी सेवा और पोस्टमार्टम सब बंद कर दिया जाएंगे। 20 तारीख से 20 तारीख से और कल के बाद कल हमारे कार्य बहिष्कार के आखिरी 2 घंटे का आखिरी दिन है। और कल के बाद जो है उसके बाद हम हड़ताल पर चले जाएंगे 17 तारीख से सुबह से चले जाएंगे, जिसमें सारी ओपीडी, सारी दवाई संबंधित किसी मरीज को कोई भी दवाई वही उपलब्ध